हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.5.6. एंड इन द प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस्ड द एक्सरसाइज 5.5 एंड आई हैव ऑल द लिंक्स गिवेन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स. ओके, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स. So first of all, we understand what is triangle and type of triangles. Then what is triangle? Triangle is a three-sided polygon. Triangles क्या होता है? एक three-sided polygon होता है, जिसमें three side होती हैं. ऐसा polygon जिसमें three-sided closed figure. Triangle is a three-sided closed figure. ऐसा figure जिसमें three sides हों, three side हो and three angles हों, उसे हम कहते हैं triangle. Triangle. अब type of triangle according to side, by side के according and ट्रायंगल के टाइप जो होते हैं एंगल एंड साइड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होते हैं. तो टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय साइड, साइड के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो फर्स्ट ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल. ये थ्री टाइप होते हैं बाय अकॉर्डिंग टू साइड. देन व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज थ्री इक्वल साइड. इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं. अगर कोई ऐसा ट्रायंगल दिया है जिसमें तीनों साइड, जो गिवन साइड होंगी, तीनों साइड की मेजरमेंट इक्वल हो, देन इन विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. जैसे अगर हमें किसी ट्रायंगल की मेजरमेंट, जैसे तीनों की ही 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड हमसे पूछा जाए कि इस ट्रायंगल का नेम क्या होगा, देन हम कहेंगे दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल. आइसोसेलस ट्रायंगल किसे कहते हैं? आइसोसेलस ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड्स. है आइसोसेलस ट्रायंगल में टू साइड इक्वल होंगी. अगर किसी भी ट्रायंगल में टू साइड इक्वल है एंड वंस एक साइड दूसरी अलग हो, तब उसे हम कहते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल. जैसे कोई भी हमें साइड, जैसे जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर एंड ये 6 सेंटीमीटर की हो, देन इन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल. एंड व्हाट इज स्केलन ट्रायंगल? थर्ड टाइप है इसका, स्केलन ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल हैज नो इक्वल साइड. स्केलन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, तीनों साइड अलग अलग हों. जब तीनों साइड ही अनइक्वल होंगी तब हम उसे कहेंगे स्केलन ट्रायंगल. तो साइड के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ ट्रायंगल थ्री टाइप्स के होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलस एंड स्केलन ट्रायंगल. तीनों साइड इक्वल होंगी देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर दो साइड इक्वल हों तब हम उसको क्या कहेंगे? आइसोसेलस ट्रायंगल. अगर तीनों ही टाइप अलग अलग हो, तीनों अनइक्वल साइड्स होंगी, देन इन विच टाइप ऑफ एंगल इज स्केलन ट्रायंगल. अब अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल देखेंगे. एंगल, जब हम एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. तो एक्यूट ट्रायंगल किसको कहते हैं? हैज थ्री एंगल लेस देन 90 डिग्री. ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों, उसे हम एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? वो एंगल जिसके मेजरमेंट जो है 90 डिग्री से कम होती है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं. एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से, तीनों एंगल, अगर उसमें जो भी तीन एंगल ही गिवन होते हैं, तीनों एंगल की मेजरमेंट अगर 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री, तो इस टाइप के एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे. राइट एंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल हैज वन एंगल इज 90 डिग्री. राइट एंगल ट्रायंगल हैज वन एंगल इज 90 डिग्री. राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री, अगर कुछ तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री है, तब हम उसे कहते हैं राइट ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल नहीं लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं. एंड नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं?
अगर कोई एक ऐसा एंगल हो जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा कोई भी तीनों एंगल में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है देन उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके देन लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। अब हमें इसमें नीचे जो ट्रायंगल गिवन है उसके नेम लिखने हैं कि ये किस टाइप का एंगल है। तो फर्स्ट है ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ साइड। अब हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल की साइड दी गई है 7, 8 एंड 9। तीनों ट्रायंगल की साइड अलग अलग है, किसी कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी ना दो साइड इक्वल है ना तो तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड अलग अलग है। इट्स मीन दिस ट्रायंगल इज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। नाउ बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी। अभी कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसकी ए बी साइड ए बी 8.7 सेंटीमीटर है एंड ए सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी तीनों साइड अलग अलग हैं, जब भी तीनों साइड अलग अलग हैं देन आपको क्या यहाँ पे पहचान जाना है कि वो ट्रायंगल कौन सा होगा, स्केलन ट्रायंगल। देन दिस ट्रायंगल इज स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। एंड नेक्स्ट है ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर। अब कोई ऐसा ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू क्यू आर एंड पी आर तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, तीनों 5-5 सेंटीमीटर, तीनों साइड कितनी कितनी सेंटीमीटर की हैं, 5-5 सेंटीमीटर की हैं। इट्स मीन दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही तीनों साइड इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड नेक्स्ट है एंगल डी ई एफ विथ एंगल डी इज 90 डिग्री। अब कोई एक ऐसा एंगल है जिसमें एंगल डी, डी पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ऐसा कोई भी एंगल जिसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री बन रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, राइट एंगल बन रहा है। अगर कोई भी एक एंगल जो है वो राइट एंगल बनेगा तो वो ट्रायंगल कैसा होता है, एंगल डी ई एफ इज राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट है एंगल वाई। अगर जब भी एंगल वाई है 90 डिग्री एंड वाई एक्स वाई एंड वाई जेड ये दोनों इक्वल हैं, अब दो इसमें इक्वल साइड हैं, दो साइड इक्वल, देन इस टाइप का एंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल। ये आइसोसेलस ट्रायंगल भी है एंड राइट एंगल, इसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल आइसो सेलस ट्रायंगल। वाई 90 डिग्री है, कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें वाई क्या है 90 डिग्री है एंड एक्स एक्स वाई एंड वाई जेड ये दोनों क्या है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तब हम उसे आइसोसेलस ट्रायंगल कहते हैं एंड वन एंगल क्या है, राइट एंगल। इट्स मीन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम ऐसे जब ये राइट है एंड आइसोसेलस भी है देन हम उसे क्या राइट करेंगे, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। ये राइट एंगल भी है एंड आइसोसेलस ट्रायंगल भी है, देन वी राइट हियर राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल एल एम एन विथ एंगल विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल एल इज 30 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल एम इज 70 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एन इज 90 डिग्री 80 डिग्री। अब इसमें तीनों ही एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस है, 90 डिग्री से कम है। जब तीनों अगर कोई ऐसा ट्रायंगल हमें गिवन है जिसमें तीनों एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, जब तीनों एंगल की 90 डिग्री से कम होती है तो ऐसे ट्रायंगल को कहो हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैच द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे मैच करना है सबसे पहले थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर किसी ट्रायंगल में तीन साइड इक्वल लेंथ की, तीनों साइड इक्वल होंगी की लेंथ इक्वल होगी तो वो कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम देखें इसमें, यहाँ पे है इक्विलेटरल, यानी फर्स्ट को हम किससे मैच करेंगे? ई से। एंड टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ, अगर टू साइड इक्वल लेंथ की होंगे देन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑल साइड आर डिफरेंट लेंथ, अगर सभी साइड जो होंगी वो अलग अलग डिफरेंट लेंथ की होंगी तब हम उसको क्या कहेंगे? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऑल साइड आर डिफरेंट डिफरेंट लेंथ देन इट इज कॉल्ड आइसोसेल स्केलन ट्रायंगल। थ्री एक्यूट एंगल, अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट एंगल हैं तो ऐसे ट्रायंगल को हम इस टाइप के ट्रायंगल को, ये कौन से टाइप होता है ट्रायंगल का? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर थ्री एक्यूट एंगल हैं देन दिस टाइप ऑफ एंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वन राइट एंगल, अगर वन राइट एंगल है देन व्हाट वन राइट देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। अगर वन ऑब्ट्यूस एंगल है देन इन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एंड वन राइट एंगल विथ टू इक्वल साइड, अगर वन राइट एंगल है एंड टू इक्वल साइड है, सॉरी यहाँ पे सेवन में होगा बी पार्ट एंड यहाँ यहाँ पे देखिए आइसोसेलस राइट, यहाँ पे आइसोसेलस भी है राइट भी है एंड यहाँ पे वन राइट एंड टू इक्वल साइड। जब वन राइट हो देन कहेंगे राइट एंगल एंड टू इक्वल साइड है देन उसे हम क्या कहेंगे? आइसोसेलस राइट एंगल। एंड सेकेंड का क्या होगा? टू साइड इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलस। थ्री साइड इक्वल देन ये लाइन भी मिट गई है देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल। दैट्स इट, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन टू डिफरेंट वेज। यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाई ऑब्जर्वेशन। अब इसे आप बाई ऑब्जर्वेशन के, आपको देख के ऑब्जर्व करके बताना है कि ये इन ट्राइंगल के नेम आपको लिखने हैं कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन टू डिफरेंट वेज, टू डिफरेंट वेज में आपको इसके नेम लिखने हैं। सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट फिगर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ई पार्ट में 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे टू साइड इक्वल है, टू साइड इक्वल है देन दिस टाइप ऑफ एंगल इज, अगर टू टाइप इक्वल हो देन इसको हम क्या कहेंगे? आइसोसेलस ट्रायंगल। एंड अब हमें इसे टू वेज में लिखना है। एक आइसोसेलस ट्रायंगल होगा, जब एंगल के अकॉर्डिंग इसका टाइप देखेंगे तो तीनों ही एंगल इसमें एक्यूट एंगल हैं एंड इसको क्या कह सकते हैं? ये एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये साइड के अकॉर्डिंग इसका टाइप क्या है? आइसोसेलस ट्रायंगल। एंड जब हम एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो तीनों ही एंगल इसमें क्या है? तीनों ही एंगल एक्यूट हैं। इट्स मीन इसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलस ट्रायंगल दोनों ही कह सकते हैं। एंड सेकेंड फिगर है, सेकेंड फिगर में तीनों ही साइड अगर आप देखिए तीनों ही साइड की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, तीनों की साइड ऑल साइड आर डिफरेंट देन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज स्केलन ट्रायंगल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी पार्ट में तीनों साइड अलग हैं देन इट इज स्केलन। ट्रायंगल एंड अब इसमें देखिए वन वन एंगल इज राइट एंगल देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल।
ऐसे हम सी पार्ट देखेंगे। इसमें देखिए दो साइड क्या है, दो साइड इक्वल है, तो जब टू साइड इक्वल एंड वन साइड अलग, देखिए एक साइड अलग है, टू साइड इक्वल है, जब टू साइड इक्वल होगी देन फर्स्ट वे इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड जब हम इसको एंगल के अकॉर्डिंग देखें, इस जब सी पार्ट को हम इसमें एंगल के अकॉर्डिंग में देखें तो ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, बट दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। तो जब भी कोई ऐसा ट्रायंगल गिवन हो जिसमें वन एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा, देन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। नाउ मूव टू द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। डी पार्ट में भी देखिए दो एंगल, यहाँ पे दो एंगल सेम है बट वन एंगल जो है वो डिफरेंट है। तो जब किसी भी ट्रायंगल में टू एंगल टू साइड सेम होती हैं, टू साइड सेम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रायंगल। एंड यहाँ पे देखिए अब हम एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये कौन से किस टाइप का ट्रायंगल है। तो एंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं, बट दिस इज राइट एंगल, देन इट्स मीन एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे देन ये कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड इसके डी पार्ट में देखिए तीनों ही ट्रायंगल क्या है, तीनों ही इक्वल है, देन दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा एंड इसको हम तीनों ही एंगल इक्वल होंगे। अब जब हम इसे एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो एंगल के अकॉर्डिंग ये किस टाइप का एंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ एफ पार्ट है इसका। एफ पार्ट में देखिए तीनों साइड अलग अलग हैं, तीनों साइड अलग अलग हैं, देन इट इज स्केलन ट्रायंगल। एंड वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसमें प्रत्येक ट्रायंगल, जितने इस ट्रायंगल को हमने टू वेज में लिखा है, एक साइड के अकॉर्डिंग एंड एंगल के अकॉर्डिंग, इनके टाइप इस प्रकार से हम राइट करेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल यूजिंग मैच स्टिक। अब यहाँ पे हमें मैच स्टिक्स कुछ गिवेन होंगी, उसको उसको यूज करके हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सम आर सोन हेयर, जैसे यहाँ पे गिवेन है आपको, कैन यू मेक अ ट्रायंगल विथ थ्री मैच स्टिक। अगर आपके पास थ्री मैच स्टिक है, क्या आप उससे ट्रायंगल बना सकते हैं? ऐसे फोर मैच स्टिक, फाइव मैच स्टिक एंड सिक्स मैच स्टिक्स, तो कैसे आप इससे ट्रायंगल बना सकते हैं? मान लीजिए आपके पास थ्री मैच स्टिक्स गिवेन है, तीन माचिस की तीलियां गिवन है, तो आप उससे कैसे ट्रायंगल बनाएंगे? जब थ्री मैच स्टिक्स होंगी, जैसे फर्स्ट ये एंड सेकंड थर्ड, अब इससे कैसे ट्रायंगल बनाएंगे? जब थ्री मैच स्टिक होंगी, फर्स्ट हमने ये एंड सेकंड को आप ऐसे रखेंगे, थर्ड को ऐसे रखेंगे, तो वन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बन जाएगा। तो तीन माचिस की तीलियां आप लेंगे, उसको ऐसे रखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एक बेस होगा एंड दोनों को ऐसे मैच कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए पार्ट।
अब इसमें हमें क्या, कैन यू मेक अ ट्रायंगल विद, आपको 3 मैच स्टिक, 4 मैच स्टिक, 5 मैच स्टिक एंड 6 मैच स्टिक, अगर आपके पास इतनी इतनी मैच स्टिक हो तो क्या आप ट्रायंगल बना सकते हैं? एंड रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक इन ईच केस, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस. सबसे पहले आपको ऐसे बनाना है एंड उसके बाद उसका नाम लिखना है. तो सब आप जब आप वन 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 मैच स्टिक लेंगे, तीन उसको ऐसे रखेंगे, देन वो कौन से ट्रायंगल बनाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल. इफ यू कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल, यदि आप नहीं बना सकते हैं इतनी 3 तीलियों से, देन थिंक ऑफ अ रीजन फॉर इट. तब आपको इसका रीजन ढूंढना है कि आप ये क्यों नहीं बना पा रहे हैं. एंड इसका बी पार्ट है, अगर हमारे पास 4 मैच स्टिक हो, मैच स्टिक कितनी हो, 4, देन हाउ, अब हम इससे बना पा इससे एक ट्रायंगल फॉर्म कर पाएंगे या नहीं. तो अगर हमारे पास 4 मैच स्टिक है, मान लीजिए हमने एक मैच स्टिक यहाँ पे रखी एंड सेकंड हम यहाँ पे रखते हैं, अब हमारे पास एंड थर्ड मैच स्टिक हमने यहाँ पे रखी, तो जब फोर्थ मैच स्टिक यहाँ पे रखेंगे तो ये इससे मीट नहीं करेगी. जब मीट नहीं करेगी, ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, तो हम इस ट्रायंगल जो है फॉर्म नहीं होगा. अगर हम सेकंड टाइप से, आप अगर ये माचिस की तीली दो लें, एक ऐसे इसके दो रखें, दो बेस में रखेंगे अगर, एंड वन आप यहाँ पे रखते हैं, वन यहाँ पे रखते हैं, तो ये दोनों भी आपस में मीट नहीं करेंगी. ये दोनों जब भी आप इनको मिलाने की कोशिश करेंगे, जस्ट इनके ऊपर ही आ जाएंगी, बट ये दोनों ऐसे ऊपर जाके ट्रायंगल फॉर्म में मीट नहीं होंगी. तो जब आपके पास 4 मैच स्टिक होंगी, देन आपके 4 मैच स्टिक से ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा. देन आई आई क्या आई कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल विथ 4 मैच स्टिक. अब हम अगर इसका रीजन देंगे क्यों नहीं मैच हो सकती, आपने इसके पहले एक्सरसाइज में आपने एक पढ़ा था, वो इसका इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अब अगर किसी भी टू साइड का अगर आप सम करेंगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होता है. मान लीजिए आपने यहाँ पे टू ये दो तीलियाँ ले ली, वन ये टू हो गई, वन ये. अब अगर आप इनका सम करते हैं, 1 + 1 = 2, एंड जब ये क्या होंगे, ये आपस में मीट नहीं करेंगी, इनको जब आप ऐड करेंगे 2 = 2 हो जाएगा. तो जब दो साइड का सम किया हमने, ये जैसे यहाँ पे ये वाली एक साइड पे हमने यहाँ पे दो तीलियों को लिया, तो 1 1 2, एंड जब इन साइड को जोड़ेंगे 2 + 1 + 1 = 2, देन अगर हम क्या करते हैं, द सम ऑफ टू साइड, अगर टू साइड का सम किया हमने, 1 + 1 = 2, वो हमेशा तीसरी साइड से जो हमारे पास रिमेनिंग साइड है उससे ग्रेटर होना चाहिए, बट रिमेनिंग साइड के इक्वल ही आ रहा है, इसलिए ये एंगल जो है फॉर्म नहीं होगा. बिकॉज द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. अब सी पार्ट में है हमारे पास 5 मैच स्टिक.
जब हमारे पास 5 मैच स्टिक होंगी, देन मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नीचे ड्रॉ किया, एक मैच स्टिक नीचे बेस में रखेंगे एंड ये 2 मैच स्टिक इधर से लिया एंड 2 मैच स्टिक यहाँ पे लगाएंगे, तो एक ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किस तरह का ट्रायंगल होगा, तो जब भी हम ऐसे रखेंगे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगा एंड ये अलग होगी। तो कोई भी ट्रायंगल अगर इस फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेलस। टू साइड इक्वल है, इट्स मीन दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज आइसोसेलस ट्रायंगल। एंड डी पार्ट में अगर हमारे पास 6 मैच स्टिक हैं, जब हमारे पास 6 मैच स्टिक होंगी तो हम कैसे उसको फॉर्म करेंगे ट्रायंगल फॉर्म में। अगर हमने यहाँ पे बेस में 2 मैच स्टिक ऐसे सबसे पहले बेस में 2 मैच स्टिक को रखेंगे, देन यहाँ पे हम 2 मैच स्टिक को ऐसे रखेंगे एंड यहाँ पे भी 2 मैच स्टिक को रखेंगे, देन 2 मैच स्टिक इधर हैं, 2 मैच स्टिक इधर हैं, 2 मैच स्टिक इधर हैं, इक्वल इक्वल लगी हैं, इट्स मीन तीनों साइड इक्वल होंगी। जब तीनों साइड इक्वल होती हैं देन ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल कवर द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स अगेन।